बिजली संशोधन विधेयक 2018 के विरोध में विद्युत वृत्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अणु से लेकर गांधी चौक हमीरपुर तक विरोध रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारी व जन विरोधी प्रस्तावित बिजली विधेयक 2018 को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित करवाने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगाए। विधेयक के पारित होने से वितरण क्षेत्र में एक से अधिक कंपनियों को लाइसेंस देकर अधिक राजस्व कमाने वाले औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों में बड़े धन्ना सेठों को मुनाफा कमाने के रास्ते खोल दिए जाएंगे। इससे बिजली क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा पेंशन संबंधी लाभों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विधेयक के पारित होने से बिजली की दरों का निर्धारण व अन्य नीतियों में केंद्र सरकार का वर्चस्व कायम हो जाएगा और राज्य सरकार का नियंत्रण नाम मात्र रह जाएगा। धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन कर रही है ये कॉल ऑल इंडिया की जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टेट एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की है, उसकी दो दिन की स्ट्राइक 8 और 9 जनवरी को है। उस स्ट्राइक के समर्थन में HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन ने यह आह्वान किया है। इस आह्वान का मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2018 शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करने जा रही है। ये जो संशोधन विधेयक केंद्र सरकार पेश करने जा रही है, ये विधेयक प्रदेश के हितों के खिलाफ है, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और आम जन विरोधी विधेयक है। इस विधेयक के अस्तित्व में आने से जहां बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियों का बोलबाला होगा, वहीं गरीब उपभोक्ताओं के ऊपर जो है भारी भरकम बिलों की मार पड़ेगी और इसके साथ साथ कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। हम ये कहना चाहते हैं जब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर विद्युतीकरण करना था, कोई भी कारपोरेट सेक्टर का कोई बड़ा घराना हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया, कोई पूंजी निवेश नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करके चाहत देकर के हिमाचल प्रदेश को जगमगाया, शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया, लेकिन आज एक ढांचा बन करके प्रदेश के अंदर तैयार हो गया है। इस ढांचे को थाली में परोस करके बड़े धन्ना सेठों को लूट का लाइसेंस देने की बात सरकार कर रही है, जिसका यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अंदर आज करीब 19,000 कर्मचारी काम कर रहा है और 2600 कर्मचारी और सोर्स के ऊपर काम कर रहा है। इसके बावजूद बिजली बोर्ड को चला पाना जो है असंभव है, लेकिन हिमाचल बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बिजली बोर्ड के अंदर उत्तराखंड के तरज के ऊपर कमेटी गठित करके कर्मचारियों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड को 8,000 कर्मचारियों के साथ चलाया जाएगा। हम उनको कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड ना बनाए। HPSEB पूरे हिंदुस्तान का एक बेहतर मॉडल है और पूरा देश आज बात का अनुसरण कर रहा है कि पूरे देश के अंदर जहां पर अलग अलग कंपनियां बनी है उनका एकीकरण करके उनका पुनर्गठन करके हिमाचल बिजली बोर्ड के मॉडल के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर जो है वो एकीकरण होना चाहिए। इस करके हमें कहना चाहते हैं कि इस बेहतर मॉडल के साथ छेड़छाड़ ना किए जाए, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी किसी हद तक संघर्ष से गुरेज नहीं करेगा। अगर ब्लैकआउट स्थिति तक जाना पड़ेगा तब भी कर्मचारी जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों के ऊपर किसी तरीके का हमला जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।